अगर हम आईपीएल के बारे में बात करें तो आईपीएल दुनिया की सबसे बड़ी प्रीमियर लीगों में से एक है। अगर हम कंपेयर करें दुनिया की अदर प्रीमियर लीगों से तो आईपीएल शायद सबसे ज़्यादा पैसा कमाने वाली लीग है। आईपीएल को इंडियन पैसा लीग भी कह सकते हैं। आईपीएल से बीसीसीआई हर साल लाखों रुपए कमाती है। अगर बात करें क्रिकेट की तो इंडिया में बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। इंडिया में इसके दीवाने भी होते हैं। इंडिया में हर मैच देखने के लिए यहाँ के फैंस बेताब रहते हैं। इंडियन प्रीमियर लीग जब शुरू हुआ था 2008 में, तब इसमें 8 ही टीमें थीं, आज अब 10 टीमें हो गई। अगर क्रिकेट के सच्चे फैन हैं तो देर किस बात की, वीडियो को अंत तक देखें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मेरी मेहनत के लिए कुछ बनता है यार। कि आपको पता है इसका पहला सीजन राजस्थान रॉयल्स ने जीता था। और उसके बाद से आज तक ये टीम कभी फाइनल जीत नहीं पाई है। क्या आपको पता है इसकी सबसे ज़्यादा खिताब मुंबई इंडियंस ने जीते हैं, जो कि 5 बार की चैंपियन है। और इसके बाद दूसरे नंबर पर आती है सीएसके, जिसने 4 बार इसके खिताब जीते हैं। ये दो ऐसी टीमें हैं जो आईपीएल आईपीएल के बारे में इंटरेस्टिंग बात है। आईपीएल के पहले ही सीजन में पाकिस्तान के प्लेयरों को खेलने की अनुमति थी। और इसके रूल भी गजब। इसके प्लेइंग 11 में 7 इंडियन और 4 ओवरसीज प्लेयर खेल सकते हैं। इसका मतलब ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया के यंग को मौका मिलना चाहिए, जो ठीक भी है। इसमें अब इम्पैक्ट प्लेयर रूल भी है। क्या आपको पता है सन 2010 में इसका लाइव प्रसारण सीधे यूट्यूब पर किया गया था। ये आईपीएल का ऐसा सीजन था जिसे यूट्यूब पर दिखाया गया, और इसके वास्ते स्टार नेटवर्क के पास सारे आईपीएल में सबसे ज़्यादा 6 और सबसे ज़्यादा शतक और सबसे ज़्यादा फास्ट 100 क्रिस गेल के ही नाम, सबसे हाईएस्ट स्कोर आरसीबी, सबसे लोएस्ट स्कोर भी आरसीबी के नाम है। एक सीजन में सबसे अधिक रन बनाने वालों के लिस्ट में विराट कोहली का नाम सबसे पहले आता है। अमित मिश्रा एक ऐसे इकलौते प्लेयर हैं जिन्होंने 3 बार हैट्रिक ली है और तीनों बार अलग अलग टीम। इसके अलावा ड्रेन ब्रावो भी किसी से कम है। इनके नाम आईपीएल में सबसे ज़्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड है। इन्होंने आईपीएल में सबसे ज़्यादा विकेट लिए हैं। इसके अलावा कुछ आईपीएल में ऐसे किस्से भी हुए हैं जिसके कारण शर्मनाक होना पड़ा है। आईपीएल में सीएसके और राजस्थान रॉयल्स दोनों ही टीमें 2 साल के लिए बैन हुई थी और ये दोनों टीमें अब वापस आ चुकी हैं। कुछ और भी ऐसे किस्से हैं जब प्लेयर आपस में ही लड़ने लगे, जैसे गौतम गंभीर और विराट कोहली की लड़ाई। ये कुछ लड़ाइयाँ हैं। और भी एक लड़ाई है जो कि बहुत भयानक, इसमें हरभजन सिंह ने श्री संत के थप्पड़ मार दिया था। ये रोता हुआ चेहरा आज भी याद है। हालांकि बाद में माफ़ी मांगी थी। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।